हमारे व्लॉग में कई दिन बाद चिंटू पकड़ा गया है। पकड़ा क्या? कितने घंटे गया? 1:30 बज गया हुआ। 1:30 बज गया अभी तक मैंने खाना नहीं खाया था, कुछ भी नहीं खाया। हॉस्पिटल से चल चुके हैं। ये दोनों देख ले। गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, पूनम जाली वाला व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज ही हम नए व्लॉग के साथ, और आज मैं सुबह सुबह सारा काम खत्म कर लिया है, नाश्ता भी तैयार कर लिया, अभी नहाई नहीं हूँ, अब नहा के अभी आऊँगी। मैं अभी खाना बना रही थी क्योंकि आज हॉस्पिटल में जाना है, तो बच्चे तो खाना फिर भी खा के जाएंगे, इन्होंने शेक वगैरह पी लिया, पता नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, तो खाना तो लेके जाना हमें, मेरे को तो खाली पेट जाना था, इसलिए मैंने खाना बना लिया सारा दिन। अभी अभी मैंने बनाया खाना, ये है फ्राइड राइस, ये है नारियल की चटनी, रोटी, अभी सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा, मैं पैक करूँगी अभी, और भी बनाई है। तो चलिए मैं अभी खाना पैक करके और फिर जल्दी से नहा लेती हूँ और फिर जाएंगे हॉस्पिटल में। मनीषा और प्रदीप भी जाएंगे मेरे साथ, क्योंकि प्रदीप तो वैसे ही गेम खेलता रहा, देखा होगा आप लोगों ने, तो ज़रूरत पड़ेगी अगर बाय द वे तो मनीषा की ज़रूरत है, इसलिए मैं साथ में लेके जा रही हूँ मनीषा को। चलिए कर ले, मैं अभी नहा के आई, जस्ट हम हो चुके तैयार और जा रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। यो यो। ये देखिए हमारे व्लॉग में कई दिन बाद चिंटू पकड़ा गया है। पकड़ा क्या? हमारे व्लॉग में कई दिन में आया है ना, मेरी बेल हुई थी। मैं आज ही छूटा हूँ घर की कैद से। नहीं, मारी गाड़ी में आज आया ना कई दिन में, मतलब मारी व्लॉगिंग में आज आया कई दिन में, और वो भी जहाँ था मेट्रो था, इसे मेट्रो में बिठाए जाम में फंसा दिए, 10 रुपए महंगे पड़ गए। भैया सोचे कि रिक्शा से जाऊंगा तो टाइम लगेगा। ये लोग जल्दी छोड़ देंगे, मेरे को क्या पता था ये मेरे ते भी लेट लतीफ है। लेट लतीफ के इस रोड पर डिसीजन सुन, इस रोड पर जाम नहीं लगा करता भाई, आज लग रहा है बहुत बुरा, इतना बुरा तो आज ही देखा है। वो उस साइड देखो, मैं गलियों में भी पुलिस देखो, 3-4 पुलिस, अगर मौका दिया तो 10 मिनट और गई। पुलिस है। खा रहे खाना दोनों, पिकनिक बना रहे दोनों के दोनों, इसमें लस्सी, इसमें चटनी, इसमें फ्राइड राइस, इसमें सब्जी, रोटी। प्रदीप की लस्सी तो नॉर्मल है, मनीषा की लस्सी मीठी है। मेरे को अभी खाना खाना नहीं है, 2-3 घंटे तक इनके लिए लेके आगे नहीं आए, और लस्सी में अलग अलग लेके, मनीषा के लिए मीठी, मनीषा मीठी लस्सी पसंद है, प्रदीप को नॉर्मल। तो अब मम्मी खाना खा रही है, कितने घंटे बाद? मेरा टाइम अब हुआ है। कितने घंटे बाद? कितने घंटे गया? 1:30 बज गया हुआ। 1:30 बज गया अभी तक मैंने खाना नहीं खाया था, कुछ भी नहीं खाया। तो अब फाइनली हॉस्पिटल से निकल फ्री हो चुके हैं। हॉस्पिटल से चल चुके हैं, ये देखिए बाहर से हॉस्पिटल, और अब भी हम जाएंगे बस में, क्योंकि मैंने गाड़ी के लिए मना कर दिया, प्रदीप सुबह चला गया वापस, और हम बस के मज़े लेते हुए जाएंगे। आज का सारा काम हो चुका है ख़त्म, अभी बिस्तर भी लगा लिया हमने, और बच्चों ने भी तरबूज वगैरह खा लिया है, खाना खा लिया सब ने। तो क्या कर रहे भाई, क्या कर रहे बुनो? वाटरमेलन खा रहे बुनो, क्या खा रहा है बेटा? खाना खा लिया ना है, तो फिर वाटरमेलन का क्या काम है? दे खिलाना, देखे गंदे बच्चे इसके बर्तन में डाल दे। मनीषा चलो खाना खा लिया ना, तो साइड हो। yes.
चलो बुनो। ओ गंदे बच्चे, कोई भी कुछ भी ना, कोई भी कुछ भी खाता रहा उसके साथ में खड़ा रहेगा। आज हॉस्पिटल से आने के बाद बहुत ज़्यादा, एक तो सर में दर्द हो गया क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था, और फिर 1:30 बजे करीब हमने खाना खाया, फिर लेट होते दिख रहे थे, प्रदीप का पहले घर में आ गया था इसलिए मैं आज बस में आ गई, तो उसकी वजह से भी कुछ पता नहीं सर में दर्द इतनी बुरी तरह हो गया कि आने के बाद मैं तो आते ही सोई थी, 4 बजे के करीब हम आए थे और आते ही सोई थी, आके उठी मैं 6 बजे के करीब, फिर उठ के काम किया, अभी तो 9:30 हो गए हैं, सारा काम ख़त्म कर लिया है, और मेरी आंखों से पता भी चल रहा होगा कि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। इस सर में दर्द होने के बाद मैं तो कुछ मन नहीं करता, कुछ दवाई भी ले ली थी उन्होंने भी दी थी वो भी, और वैसे भी सर दर्द की ले ली थी, तो उसकी वजह से भी नींद आ रही बहुत तेज वाली। The next day. देखिए दोस्तों, हमें ऊपर ये दोनों देख ले बैठे हुए हैं, मस्ती कर रहे हैं फालतू की, ये चलता रहा हमेशा मस्ती फजूल की, गंदे बच्चे काम नहीं करते कोई भी। देखिए ओबुनो मार दिया प्रदीप ने, वो मनीषा मर गई, ये हमारा सपोर्टी, सबका सपोर्टी है, कोई किसी का नहीं मार सकता कोई किसी को मार नहीं सकता, ये सबके लिए सपोर्ट करके खड़े हो जाएगा सपोर्टी साहब। देख रुमाल आ नीचे पैर में, क्या कर दिया, ला लस्सी का मुंह लगा दिया, लस्सी पी रहा था ये हमारा ब्रूनो है ना, ये हर चीज में टांग अड़ाता रहेगा, देख गंदा बच्चा है, हर चीज में टांग अड़ाने इसका काम है। ओरिजिनल कंटेंट दिखाते हैं अपने ब्लॉग में, ओरिजिनल तो ठीक है। आज बननी है अरबी की सब्जी, और ये दोनों बच्चे कर रहे हैं मस्ती, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो नमस्कार दोस्तों, पूनम जालीवाल ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो हमारे घर में बिखरा हुआ है सारा सामान, और अभी इसको इग्नोर करना, और हमारे बच्चों की मस्ती शुरू है क्योंकि ये काम करते नहीं, मैं काम में लगी हुई थी, बीच बीच में इनकी रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ रही मेरे को। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। तो चलिए करते हैं आज का व्लॉग का स्टार्टिंग। तो आज मैं बना रही हूँ अरबी की सब्जी। यस, जोश आ गया, जोश आ गया, जोश आ गया। आज अभी मैं बना रही हूँ अरबी की सब्जी, यहाँ पे मैंने दूध गर्म करके रख दिया है, इसको ढकना भूल गई मैं। अरबी की सब्जी बनाने के बाद मैं बनाऊंगी इन बच्चों के लिए सेक, क्योंकि ना तो पड़ेगा मेरे को, आखिर माँ तो माँ हो, तो साथ साथ में मैं बना रही हूँ इनके लिए बनाना सेक। देखिए भाई, अब एक हाथ से बनाऊंगी सेक, एक हाथ से बनाऊंगी सब्जी, तो आप लोग देखते रहिए, और फिर बाद में जाना आज कई जगह, एक पहले जाऊंगी कैंटीन में, फिर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है ना, क्योंकि कल जो रिपोर्ट मतलब करवाए थे टेस्ट, उनकी रिपोर्ट आज आएगी, वो दिखानी है डॉक्टर को। दोनों से एक पकड़ो अपना अपना, और काम करो भाई, जल्दी जल्दी पोछा लगा दे क्योंकि फिर प्रदीप ना ले, आज लोग चल रहे हैं लेट हो जाए, 8 बज गए हैं, 9 बजे तक जाना है कि क्या क्या, मैं ना लेता हूं जाना, क्योंकि कैंटीन में जाना है, अकेले कितना करेगी, 1 घंटा तक डांस करके आई है, छिपरी होगी काम वाम तो कुछ करना नहीं, नाच नाच के आ गई ना, जिम जा रहे दोनों के दोनों। तो पापा ने कहा है कि सुबह सुबह एक्सरसाइज करनी है, आप चाहे वो डांसिंग हो चाहे वो वैसे योगा हो, जिम की फीस दे रखी ना, वो किस लिए दे रखी भाई, तो आप चलोगे तो चलूंगी मैं क्या करूंगी, देखो मेरी हालत दिख रही, जिम में जाऊं, जिम का मतलब मेंटेनेंस होता है बॉडी को, जान होगी शरीर में, जब तो मेंटेनेंस बनेगी, जान है नहीं, काम कर करके निकाल दी, वो गाना नहीं है, मैं तो माड़ी हो गई राम धंधा कर करके इस घर का, मैं अंडरवेट जा ली, ठीक है ना, तो अभी इसलिए लो फिर इसकी जरूरत आपको है, लो लो ना, अभी हम हो चुके हैं तैयार कैंटीन जाने के लिए, पहले कैंटीन में फिर हॉस्पिटल में जाएंगे।
आज के कैंटीन में सामान जो जरूरत हो तो है, तेल भी नहीं है, कोकोनट आटा भी प्रीमियम नहीं है, जो चीज़ चाहिए होती है। यहाँ का फर्नीचर देखो कितना अच्छा है, ये बैठे हैं किस किस टाइप के हैं, बैठे हैं कि प्रदीप बोर हो रहा है बैठे बैठे, ये तो फोन देखना शुरू कर दिया और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। अभी नंबर आया नहीं है, डॉक्टर कहीं गए हैं वो चेकअप के लिए और हमारा नंबर आने वाला है, लेट हो रखे बहुत ज़्यादा। आज तो खाना भी नहीं लेके आया, हम खाना खाते तो मैं सोचती जल्दी हो जाएगा, कैंटीन में भी टाइम नहीं लगा इतना और यहाँ के टाइम लगता है। सुविधा अच्छी इसमें, बैठने उठने की पूरा अच्छी तरह अच्छा सुविधा। चलिए देखो कितना टाइम और लगता है, फिर घर में जाएंगे। अब बज चुके हैं 2 और अब हम वापस जा रहे हैं घर। अभी डॉक्टर ने रिपोर्ट चेक कर ली और रिपोर्ट में कुछ भी नहीं बताया कुछ भी नहीं बताया अभी, कोई दिक्कत है ना, बोले 2 हफ्ते तक ये दवाई लो और फिर आ जाना। ये दवाई तो कल ही लिख दी थी, फिर पैसे देंगे आ जाना, आपके पैसे हड़पने के लिए बैठे हुए हम यहाँ। ऐसा तो नहीं है, पैनल में तो कम ही लग रही, वैसे तो और भी ज़्यादा लगते। तो चलिए घर जाके खाना वाना खा के आराम करेंगे, भाई बहुत लेट हो गया आज, बल्कि कैंटीन में इतना टाइम नहीं लगा जितना यहाँ पे लग गया। कोई मतलब भी नहीं, एक बार बस देखी देखी थी रिपोर्ट, अच्छे से चेक भी नहीं की, अगर उसमें टाइम ही लगना हो। और मेरा आगे एक पेशेंट और था और उस इतनी देर में ऊपर चले गए, बोले मतलब जो उनके वो पेशेंट होते हैं ना जो एडमिट होते हैं उनको चेक करने के लिए चले गए राउंड पे, 2 मिनट के काम के लिए 2 घंटे ज़्यादा लगा दिए। फालतू में बोलते ना सरकारी में काम लेटा था, प्राइवेट में भी यही चल रहा था, प्राइवेट में भी कितना करवा लो, यही टाइम खराब करने वाला काम है, नहीं तो 2 मिनट का काम था उनका। और वो रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आया, फिर तबीयत किस लिए खराब थी, पेट में दर्द किस लिए था, डॉक्टर के पास आके ठीक हो गया। अरे चलिए कुछ भी नहीं करेगा, मान जा तो मस्ती करेगा फुल। प्रदीप इसने एक बार उठान की कह दो, बस सारे काम अच्छे अच्छे कर देगा, अच्छे अच्छे काम कर देगा। ऊपर जाएगा ना? ना ना ना, ये तो बिस्किट नहीं खा लेगा, इतना थोड़ा ना जाएगा। बिस्किट नहीं छोड़ना इसने एक टाइम भी। चल चल, ये प्रदीप ने एक बार उठाया एक बार उठा दे प्रदीप ने, प्रदीप को उठा, गंदे बच्चे पर चाय ले लेना। प्रदीप खड़ा बेटा, जा प्रदीप ने उठा, प्रदीप उठ ले बेटा, पर जिसके भी ऊपर उठा गया, पहले उठा गया गंदे बच्चे को उठा दिया। क्या कर रहे हो? सिलाई कर रहे हैं भाई, मैं अंदर जाती हूं। ठीक है भैया,
मम्मी पापा पता है क्या कर रहे हैं? फली छील रहे हैं सब्जी के लिए। वो तेरे दादी बोले थे ना मैं फली छील के फिर घूमने जाऊंगी, तेरे पापा ने बोल दिया मैं बैठा हूँ और चली जाओ छील दो, क्योंकि वो तेरे पापा की फेवरेट फली है ना, वो कौन सी बोला है कौन सी है सिद्धल की, हाँ सिद्धल फली है वो तेरे पापा की फेवरेट है इसलिए छील रही होंगे, नहीं तेरे पापा फली छील। और देखो ये अभी तक यहाँ पे बैठा था, अब वापस मेरे साथ आ गया, पापा के पास था फिर। ये तो मुक्कड़ है तो 9:30 हो गए हैं, सारा काम खत्म कर लिया है और आज के व्लॉग का यही एंड करने की सोच रही थी मैं। अभी मैं सोच रही मगर अभी सोने के टाइम हो गया है सारा काम, अभी भी बर्तन वर्तन सब कुछ कर लिया मैंने, तो चलिए आज के व्लॉग का करते यही पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय और लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।